हाय, माय नेम इज मुकेश और आप देख रहे हैं CO2O ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चैनल्स। इसमें आज जो हमने टॉपिक्स है हमारा, ये टॉपिक्स बहुत ही हॉट है और आप सभी लोगों के लिए है। ये हमारा जो टॉपिक्स है वो प्रॉफिट्स हार्वेस्टिंग टेक्निक है। ये प्रॉफिट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, क्योंकि दिस इज द न्यू टेक्निक्स, नो वंस एंड जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ द टेक्निक्स एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज गिविंग द प्रॉफिट हार्वेस्टिंग टेक्निक। इसमें तीन टेक्निक्स हमारा है, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग टेक्निक, मनी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एंड ये ऑप्शन ट्रेडिंग्स के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो आप इसमें हम काम कर सकते हो, मेरे साथ काम कर सकते हो। ये मास्टर क्लास होने वाला और ये मास्टर क्लास हमारा 21 जुलाई को है, जिसमें आप सभी को मैं इन्विटेशन देता हूँ। इस मास्टर क्लास में आप हार्वेस्टिंग करना सीखोगे, मनी का हार्वेस्टिंग करना सीखोगे, प्रॉफिट का हार्वेस्टिंग करना सीखोगे। ये जो टेक्निक है ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक तरीके से हम काम करते हैं और इसमें आपको लॉसेस होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, हमेशा आपको प्रॉफिट्स में ही बना के देगा। तो आपको इस पे काम कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज होना चाहिए आप लोगों का। और ये चीज़ें आपको 21 जुलाई को आने वाला है और इसमें आप वो सब कुछ सीखेंगे। आपको एक मौका मिलेगा और इस मौके का आप ज़रूर से फायदा उठाएं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें ज़रूर से आएं और जो भी आपके पास फ्रेंड है उनको ज़रूर आप मोटिवेट करो कि भाई एक ऐसा टेक्निक है जो हमें सीखने वाले हैं। और इतने ज़्यादा दिनों से आप अगर लॉस भी करते हो आ रहे हो, तो आपको लॉस नहीं होगा, आप शुरू से प्रॉफिट में ही रहोगे। दूसरा, ये जो मास्टर क्लास हमारा होने वाला है वो स्विंग ट्रेडिंग्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग्स एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाला है। ये यूनिक कॉन्सेप्ट विथ मास्टर क्लास होगा जो सिर्फ आपके लिए। ये जो क्लास होने वाले हैं, मास्टर क्लास 21 जुलाई संडे को 2 बजे से लेकर 4 बजे PM तक रहेगा। इसमें हार्वेस्टिंग की है, हमारा जो बिजनेस है ये कम्प्लीटली मनी सर्कुलेशन बिजनेस है। इसमें हम मनी की बातें करते रहते हैं और यहाँ कहाँ से लेना है, प्रॉफिट लॉस, ये सारे बिजनेस की बातें होती है। बट हार्वेस्टिंग यू कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात होती है और ये एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर आप टी बगान में कभी नहीं गए, वो मौका नहीं मिला है, तो आप जब भी कभी आसाम साइड में जाओ, दार्जिलिंग साइड में जाओ या जहाँ भी टी का हार्वेस्ट होता है, खेती होता है, आप वहां पे जाओगे देखोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे क्या है कि ये जो टी बगान्स में देख रहे हो, ये सारे जो टीज है वो लगा हुआ एक बार लगता है तो आपको नियर अबाउट 10 ईयर्स तक चलता है। 5 to 10 ईयर्स इसके पीरियड्स होते हैं जिसमें आप इस पे ये जो हमारा हार्वेस्टिंग एक बार जो हुआ है हमारा प्लांटेशन, ये प्लांटेशन समय में 1 टाइम्स होता है और ये 10 साल तक जाता है। अब यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं कि जो भी लोग जब प्लांटेशन होते हैं इसको रख रखाव होता है, जब ये मूवमेंट्स बड़ा हो जाते हैं आफ्टर 1 ईयर्स और 2 ईयर्स के बाद ये कंप्लीट रूप से ये प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, जहाँ पे आपको लीव्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे लीव्स डैमेज होता है जिसको थ्रो कर देना होता है, बहुत सारे लीव्स अच्छे होते हैं, बहुत सारे लीव्स न्यू होते हैं, बहुत सारे लीव्स आपका मैच्योर हो चुका होता है, क्वालिटी बेस्ड होता है। आप उसमें से जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आके उनको हायर किया जाता है ताकि वो प्लग कर सकें और प्रॉपर तरीके से कर सकें। जो मैच्योर लीव्स होते हैं, जो क्वालिटी वाले लीव्स होते हैं, उस तरह से ये आप प्लांटेशंस को ये हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करके यहाँ से लेके आता है, पूरा कलेक्शंस करके वो प्रोसेसिंग यूनिट्स में लेके चले जाते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग का। अगर आप प्लांट्स को देखना चाह रहे हैं, ये प्लांट्स को जो टी प्लांट्स है वो लुक लाइक दिस, थोड़ा ब्लैकिश होता है लीफ इसका, थोड़ा काला होता है, काला नहीं कह सकते इसको, इसको भूरा ही बोलेंगे आपको, क्योंकि ग्रीनी लीव्स है, थोड़ा डार्क ग्रीन होता है ये। और ये जो लीव्स होते हैं इसके जो प्रोसेसिंग जब होता है, उस प्रोसेसिंग के बाद जो बन के तैयार होता है वो जो लीव आप यूज करते हो टी में, उसकी यूज होता है। नाउ नेक्स्ट में चलता हूँ। ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है इसमें आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं होता है, कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं होता है। इसमें एक काम करना होता है, जस्ट डू ऑन मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कब करना है, आप पूरा दिन मत करो। आप मॉनिटरिंग कब करोगे, जब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर सपोज एक डायरेक्शंस में देख रहे हैं, वही यूनिक डायरेक्शंस में लगातार हो रहा है और जो आपका ट्रेडिंग्स का आपने सेल किया वो सेल सेगमेंट्स आपका लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, या फिर नीचे की तरफ आपने जो डायरेक्शंस में जा रहा है उस डायरेक्शंस के अपोजिट जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपोजिट जा रहा है, देन आप यू हैव टू बी चेंज राइट। तब वहाँ पर मॉनिटरिंग करना होता है, वहाँ पर इवनिंग आप टेस्ट मार्केट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बीच में आपको करना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आपको आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। वो भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है, आप उसमें कैसे करेंगे वो भी चीज़ बताऊँ। कुछ चीज़ें तो मैंने लगातार बताया, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे दिखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा और वहाँ पे आपको
आपके तरीके से ही बिजनेस हो। इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको किसी तरह का कोई चेंजेस या मॉनिटरिंग में कुछ लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना है, तो देन टुमारो इफ रिक्वायर्ड देन चेंज योर प्लान। आपको नेक्स्ट डे आपको इसको प्लान को करना है और कैसे करना है वो चीज आपको समझ में आएगा। इफ यू नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आने से पहले मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ और वहां पे कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रही बात सबसे बढ़िया, जब आप इंडेक्सिंग में काम करते हो तो हम इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, इस तरह का प्लानिंग से, और ये प्लानिंग में हमें जाना होता है और यहाँ पे हम बहुत बड़े तरीके से स्ट्रेटेजी को हम अपनाते हैं। वो सारा स्ट्रेटेजी जो हार्वेस्टिंग प्लान है वो थोड़ा इंटायरली डिफरेंट है, उस प्लान में हम काम करते हैं। और इसमें मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, फिर निफ्टीज, बैंक निफ्टीज, निफ्टीज, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल्स, MCX, और आप अगर आप मनी पे काम करना चाहते हो, यूरो पे, राइट, फॉरेक्स पे काम करना चाहते हो तो वहाँ पे भी, आप बिटकॉइन पे काम करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको ये सिमिलर तरीके से आपको काम करना। रही बात आपको जब आप आते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में भी, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है और सभी जगह काम करता है, ये सभी जगह के लिए है, कोई एक जगह के लिए नहीं, राइट। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इसमें कैसे काम कर सकते हो और हम इस पे काम करते हैं। अब दूसरा चीज है कि हमारा जब भी कभी हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, यहाँ पे कैसे करेंगे, बैंक पे कैसे करेंगे, जो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस कम्प्लीटली रूप से इंटायरली डिफरेंट है। जो हम हर वीक को इस हार्वेस्टिंग करते जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उसका एक्सपायरी होता है उस दिन हार्वेस्टिंग होता है, फिर नया चीज ऐड होता जाता है और इस तरीके से हम इसको हार्वेस्टिंग लगातार करते जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है नियर अबाउट 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का चलता है वन वे। अगर जब तक ये हमारा एक सिग्नल से, जब तक वो सिग्नल हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हम उस ट्रेडिंग्स में बने रहते हैं और हमें उस तरह से प्रॉफिटेबल्स हमें बना के जाते हैं ताकि हमें उसमें बने रहे, राइट। जब हमारे डायरेक्शन से थोड़ा सा एकदम उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा तभी हम वहां से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज वहां से हम बाहर नहीं निकलेंगे, राइट। ये सारी प्रोसेस आपको शायद समझ में आ चुका होगा, हमें कैसे काम करना होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दिया, राइट। दूसरा अब रहती है कि अब मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग्स। स्विंग ट्रेडिंग्स में भी जैसे कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, मैं लगातार इंडेक्सेस के बारे में बताता रहता हूँ और सभी को मैं बताता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। और हर दिन नियर अबाउट आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं और उस स्टॉक्स के साथ ही आपको वर्क करना होता है। कल के लिए मैंने थोड़ा सा अप्लाई नहीं किया और वो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद मिल जाए। तो इस तरह के सारी चीज़ें मिलते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जैसे लेट्स एग्जांपल मैंने इस स्टॉक्स को मैं देखता हूँ और ये स्टॉक्स में अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई जाके फिर नीचे की तरफ आया। अब मैं ये बताता हूँ कि ये यहाँ से मैं डायरेक्शन में किस तरह से जाएगा, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग्स हमारा है कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए और ये लगातार ऊपर जाना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है और हमें ये अभी जो प्रॉफिट हमने बताया था इसमें इंट्राडे के लिए वहाँ पे उस पर काम करें, राइट। दूसरा है मुख, अगर आप इस पे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये लगातार अपर डायरेक्शन से बढ़ना है। अब जो इसमें एक तेजी आया है, अब इसके बाद कल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, यहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि ये चीज़ें आपको कल हो सकता है प्रॉफिट की जगह लॉस ही। तो इस तरह से हमारे प्लान्स होते हैं और किस में हमें लगातार मॉनिटरिंग करना होता है और किस में हमें जाना है, आप उसी डायरेक्शन में उसी स्टॉक्स में हमें लॉन्ग पोजिशन बनाना है। ये सब सारी चीज़ें मैं उस दिन आपको बताऊँगा और उसमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पोजिशन बनाना है, वो चीज़ें भी डिस्कशंस होगी, राइट। तो सारी चीज़ें आपको मास्टर क्लास में सीखने को मिलेगा। लगातार हमारे साथ जो भी बने हुए हैं और उनको बहुत कुछ मिलने वाला है उस दिन। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में ही मेरे ट्रेडिंग सेशंस में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में रहना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो, राइट। दूसरा आपको पूरा मैं हमारा जो ये मास्टर क्लास है इसमें आपको पूरा बिगनिंग से लेके आपको एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा और जो भी चीज़ हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे वो पूरा लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे। कहीं भी किसी तरह का कोई इशूज़ नहीं होगा या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 ईयर के लिए प्रोग्राम है, 2 ईयर्स के लिए प्रोग्राम है, ऐसा कोई भी नहीं। जो भी लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे वो सारे लोग Day 1 से लेके लास्ट इंड तक, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक आप लोग हमारे साथ रहोगे और टाइम टू टाइम मेरे साथ काम करते रहोगे। जो भी तरह के किसी तरह का इश्यूज होता है वो सारे इश्यूज के पर्सनल मैं आपको
रिजल्ट दूंगा, मैं आपको उस इंफॉर्मेशन दूंगा, जहां भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन व्हाट एवर क्वेश्चन यू हैव टू सबमिट मी दैट क्वेश्चन, आई विल गिव यू रिप्लाई ऑन सेम टाइम्स, मे बी लिटिल थोड़ा सा 5-7 मिनट अगर लेट होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स एंड डेफिनेटली हैज टू बी गुड। बट द बिजनेस टाइम के समय में आपको लाइव टाइम्स में लाइव ट्रेडिंग्स में लेना है, लाइव स्ट्रीमिंग में लेना है, उस लाइव स्ट्रीमिंग में जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको भी करना है, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रेटेजी इंट्राडे में होता नहीं है और मैं उसमें इंट्राडे में कभी जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको डेली ट्रेडिंग्स के ऊपर होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्लान्स होता है, उस प्लान्स के साथ आपको जाना है। जो कोई भी इसमें हमारा ज्वाइन करेंगे उसी के साथ ही काम करेगा, राइट, और हम उस तरह से प्रॉफिटेबल्स होते जाएंगे और हार्वेस्टिंग करते चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान है जिसके साथ आपको काम करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग्स एंड ऑफसेट ट्रेडिंग दोनों के साथ मैं काम करूंगा ताकि उसमें आप ज्यादा ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब रही बात की इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको पूरा परफेक्ट बनाने का काम मेरा रहा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप ज्वाइन कर जाते हो तो, राइट। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी जो प्लान्स है ना वो सारा प्लान्स आपके लिए है, आपके लिए बेस्ट तरीके हैं। और हमारा जो लिंक है ज्वाइन करने का जो लिंक होगा वो लिंक हम मैं आज इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी वीडियोस आप देख रहे होंगे सारे वीडियोस में हमारा डिस्क्रिप्शन है, आपको इनविटेशन का डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में रहेगा और उसमें ये भी रहेगा कि काम कितने बजे आपको कैसे ज्वाइन करना है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस हमारे जो भी वो इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, हमारा मास्टर क्लास इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप अगर बहुत ज़्यादा इंथुजियाजम में हो और लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और बहुत अच्छे तरीके से आपको लगता है ये क्लासेस होने वाले हैं आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करो। और दूसरी चीज़, आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो इस चीज़ों की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ चुके इसमें ज्वाइन कर सकें, तब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। नाउ मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। नेक्स्ट मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं आपसे ये बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।